जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्लास 10+2 के साथ साथ आईटी और जेई और तमाम कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको समझने में बहुत ही आसानी आपको होगी और इसमें सारी चीज़ें जो है एकदम एग्जैक्टली क्लियर रहेंगी, कहीं से भी आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। इसके पहले के कुछ चैप्टर्स को मैंने अपने वीडियो चैनल केम क्लास ऑनलाइन पर अपलोड किया हुआ है, आप देखिए। और क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं और ईश्वर करे आप दिन पर दिन आगे बढ़ें। देखें, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमको शुरू करें, इसके पहले हम लोग साल्ट के बारे में जानते हैं, ठीक है। एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। साल्ट, तो साल्ट क्या होता है? साल्ट इज द न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट को हम लोग साल्ट कहते हैं। सो साल्ट क्या है कि इट इज अ इट इज न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस। यह किसी भी एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट होता है। जैसे अगर हम लोग कोई एसिड ले लें, मान लेते हैं कि हमने HCl ले लिया और एक बेस ले लिया हमने NaOH, दोनों एक्वस कंडीशन ले लिया, तो दोनों जो है न्यूट्रलाइजेशन करेंगे और ये बनेगा साल्ट, बनेगा ये NaCl और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ये सबसे सिंपल मेथड है साल्ट को समझने का। यहाँ एक्वस एसिड है, यह एक्वस बेस है और दोनों न्यूट्रलाइजेशन हो करके NaCl और वाटर बनाएंगे। देखिए, ये जो NaCl बना, इसी को कॉमन साल्ट या सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और इस साल्ट को, इसकी जो साल्ट की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि जैसे कि NaCl को आप जैसे ही एक्वस मीडियम में डालेंगे या वाटर में डालेंगे, ये Na+ एक्वस और Cl- एक्वस में ब्रेक होगा। मीन्स यह अपने आयंस में ब्रेक डाउन कर जाएगा, इसी को हम साल्ट कहते हैं। तो इसे सिंपल साल्ट कहेंगे। जब सिंगल सिंगल आयन, सिंगल केटायन, सिंगल एनायन या सिंगल पॉजिटिव सिंगल नेगेटिव आयन्स मिले तो उसे हम लोग सिंपल साल्ट कहते हैं। अब एक और चीज़ आता है डबल साल्ट का, कि ये डबल साल्ट क्या है। सो डबल साल्ट क्या है? कई बहुत सारे डबल साल्ट हैं, जैसे कि कार्नेलाइट ले लीजिए, तो एक डबल साल्ट है कार्नेलाइट। क्या होता है कार्नेलाइट का फार्मूला? कार्नेलाइट जो होता है KCl और MgCl2 से बनता है, ठीक है। सो ये हो गया KCl और MgCl2, और साथ ही साथ इसमें कुछ क्रिस्टलाइन वाटर भी होते हैं जो कितने होते हैं, 6H2O होते हैं, ठीक है। ये हो गया कार्नेलाइट। एक और लिख लीजिए मोहर साल्ट, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मोहर साल्ट, इसका तो फार्मूला भी पूछा जाएगा आपसे। मोहर साल्ट, तो मोहर साल्ट जो होता है अमोनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट होता है। मीन्स FeSO4, ठीक है, FeSO4 और NH4 का ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O इसमें भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया FeSO4, NH4 का ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, ये हो गया मोहर साल्ट। और आप इसके साथ साथ एलम को जानते होंगे, जिसको पोटास एलम या फिटकरी कहते हैं। इसका भी फार्मूला आप लिख लीजिए K2SO4 Al2SO4, ठीक है, K2SO4 Al2SO4 .24H2O, इसमें वाटर मालिक्यूल क्रिस्टलाइन वाटर है वो 24 मालिक्यूल्स हैं। सो देखिए, इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, ये इनको इसलिए हम लोग डबल साल्ट कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप देखिए दो दो साल्ट
एसोसिएटेड हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी आयरन सल्फेट और अमोनियम सल्फेट है, तो यहाँ भी दो साल्ट हैं, और इसी तरह से पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट हैं। सो ये डबल साल्ट हैं, और साल्ट इनको इसलिए हम कहेंगे क्योंकि यह जो है अपने आयंस में डिसोसिएट होंगे, ठीक है। सो डिसोसिएटेड हो जाएंगे, डिसोसिएटेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, ये अपने आयंस में जिससे ये बने हुए हैं पूरी तरह से कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर जाएंगे। मतलब अगर आप कार्नेलाइट का वाटर के साथ आयनेशन कराते हैं तो K प्लस एम जी सी एल माइनस एक मिलेगा, एम जी प्लस प्लस और सी एल माइनस मिलेंगे। इसी तरह से यहाँ पे कराएंगे तो एफ ई प्लस प्लस एन एच फोर प्लस और एस ओ फोर टू माइनस के आयंस मिलेंगे, और इसमें कराएंगे तो K प्लस एस ओ फोर पर टू माइनस ए एल पे थ्री प्लस एस ओ फोर पर टू माइनस, इस तरह से आयंस मिलेंगे। तो ये डबल साल्ट हैं, लेकिन एक और साल्ट है जो रिसेंटली कह लीजिए 1990 के पहले इसके बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम था, 1919 के बिफोर और 1816 समथिंग 83 के आसपास, वर्नस की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके पहले इसके बारे में कुछ विशेष बात नहीं मालूम थी। जैसे हम लोग साल्ट लिखते हैं, यह है के फोर एफ ई सी एन सिक्स, यह एक स्पेशल साल्ट है भाई, अभी तक के आपके हिसाब से अभी एक स्पेशल साल्ट है। इसलिए स्पेशल है कि जब आप इसको आयनाइज करेंगे तो ये क्या देगा, 4K प्लस प्लस और यहाँ पे होगा एफ ई सी एन सिक्स और इसके ऊपर यहाँ पे 4 माइनस। इसके साथ साथ इसमें और कुछ नहीं, ये आगे जो है यहाँ पे मतलब आयरन और सी एन माइनस ये आगे डिसोसिएट नहीं होंगे। इसके लिए क्या इसमें अलग क्या हुआ इन सब से, इसमें अलग क्या मिला आपको, अलग इसमें ये मिला कि ये तो पूरी तरह से अपने आयंस में डिसोसिएट हो गए, लेकिन यह जो है यह जो साल्ट है इसमें के अलग होगा, बस के आयनाइज होगा, पोटेशियम आयन आयनाइज होगा, लेकिन बाकी एफ ई सी एन सिक्स ये आयनाइज नहीं होता है। तो इसलिए पहले इसको कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते थे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते थे। इस तरह के साल्ट को कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं। तो हम इस तरह से देखें तो साल्ट को हमने थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया, सिंपल साल्ट, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट। लेकिन इसी कॉम्प्लेक्स साल्ट को ही कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं, और इसी को कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। अभी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग बाद में जानेंगे, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। सो पहले जो है बहुत सारे नॉन तो नहीं थे कंपाउंड इस तरह के, लेकिन जो कुछ भी नॉन थे उनके बारे में बहुत स्टडी नहीं थी। तो आते हैं वर्नर्स, एक वर्नर्स अल्फ्रेड वर्नर्स थे, और अल्फ्रेड वर्नर्स ने जो है इसके बारे में काफ़ी एक्सप्लेन किया। तो अब हम लोग आते हैं अल्फ्रेड वर्नर्स के पासवर्ड पे, सो आप इसको नोट करिए और हम लोग डिस्कस करते हैं वर्नर्स पासवर्ड का, ओके। सो देखिए वर्नर्स पासवर्ड, उसके पहले वर्नर के हम लोग एक्सपेरिमेंट को देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए वर्नर्स ने क्या किया था कि कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स लिया था, जैसे कि सी ओ सी एल थ्री सिक्स एन एच थ्री, सिक्स एन एच थ्री यह जो है येलो कलर का था कॉम्प्लेक्स, उस समय इसको कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते थे, और इसका रिएक्शन कराया एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से, ए जी एन ओ थ्री के एक्सेस से कराया। तो यहाँ पे क्या होगा, जब एक्सेस में कराएंगे जी एन ओ थ्री से, तो ये नाइट्रेट आयन सी एल आयन को डिस्प्लेस होंगे और ये ए जी सी एल बनाएगा। सो यहाँ पर ये ए जी सी एल बनाएगा, इतना तो ठीक है।
लेकिन इसकी जो कंडक्टिविटी है उस हिसाब से, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हिसाब से इसको जब मेजर किया गया और देखा गया, तो जो COCl3 6NH3 था, इसको एक्सेस ऑफ अमोनिया सॉरी सिल्वर नाइट्रेट से जब रिएक्शन कराए तो जो AgCl बना उसके 3 मोल्स बने थे, ठीक है। और इसी का सिमिलर कंपाउंड था, वो था COCl3 5NH3। ये पर्पल कलर था और इसको भी सेम इसी तरह से रिएक्शन कराया तो यहाँ पे जो AgCl का प्रेसिपिटेट मिले वो 2 मोल मिले। एक और लिया COCl3, इसमें 4NH3 होते हैं ये आइसोमर्स हैं सब, और इसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। और जब एक्सेस ऑफ AgNO3, तीनों रिएक्शन एक्सेस ऑफ AgNO3 से हो रहा है तो यहाँ पर भी AgCl मिला, लेकिन AgCl का केवल 1 मोल मिला। सो जो वर्नर्स हैं, वर्नर्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि आखिर ये वेरिएशंस आ क्यों रहे हैं, तो वर्नर्स ने अपना पोस्टुलेट दिया और उस हिसाब से कुछ एक्सप्लेनेशन किया। चलिए हम लोग पहले इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। एक्चुअली आज के डेट में इस कंपाउंड को इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, लेकिन ये वर्नर्स के टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक बात कर रहे हैं 1919 के बिफोर, पहले की बात कर रहे हैं, 1919 के पहले की बात कर रहे हैं। उस समय ऐसे लिखा जाता था, तब हम लोग वर्नर्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं, वर्नर्स के द्वारा बताई गई बातों को पढ़ रहे हैं, करंट में नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। सो जब इसका कराए AgNO3 से प्रेसिपिटेशन तो 3 मोल मिला, इस कंपाउंड का कराए तो 2 मोल मिला, इस कंपाउंड का कराए तो 1 मोल मिला। आखिर ये वेरिएशन आ कहाँ से रहा है? तो वर्नर्स ने बताया कि जैसे ये कोबाल्ट है, हम पहले वाले पे बात कर रहे हैं, तो ये जो कोबाल्ट है किसी भी कॉम्प्लेक्स में, केवल कोबाल्ट में ही नहीं, किसी भी कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप के वैलेंसेस होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसेस। तो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, चलिए हम लोग पहले इस फार्मूले क्या करें, पहले लिख लेते हैं, अच्छा हम लोग पहले कर लेते हैं इनके पास्टुलेट्स के बारे में। देखिए पास्टुलेट नंबर 1 कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसेस। फर्स्ट क्या है? प्राइमरी, और सेकंड क्या है? सेकेंडरी। ये जो प्राइमरी होती है ये आयनाइजेबल होती है, ये जो सेकेंडरी होती है ये नॉन आयनाइजेबल होती है। ये जो होता है सेटिस्फाइड बाई निगेटिव आयन होता है, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो सेकेंड आयनाइजेबल होती है और नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होती है। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है और सेटिस्फाइड बाई निगेटिव और न्यूट्रल, नॉट पॉजिटिव, न्यूट्रल आयन्स, ये नेगेटिव या न्यूट्रल आयन से सेटिस्फाइड होती है। और सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स्ड होती है, ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स्ड होती है। और ये तो पॉइंट 1 हुआ। पॉइंट 2, ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है यही इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो सेकेंडरी वैलेंसी या वैलेंस इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको अच्छे से नोट करिए। देखिए कुल मिला जुला करके जो वर्नर्स का पास्टुलेट है बस इतने में ही है, इसके मेन पास्टुलेट बस यही 2 हैं, बाकी तो आगे चल के हमको मिलेंगे।
क्या है कि दो टाइप की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है। और प्राइमरी नेगेटिव आयन से कंप्लीट होती है या सेटिस्फाइड होती है, सेकेंडरी आयन जो वैलेंसी होती है वो नेगेटिव या तो न्यूट्रल से, पॉजिटिव मत करिएगा, नेगेटिव या तो न्यूट्रल से होगा और फिक्स्ड होगा। तो देखिए होता क्या है कि जैसे कोबाल्ट है, तो इस कोबाल्ट के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है देखिए ध्यान से। सो कोबाल्ट के साथ यहाँ पे 3 Cl जुड़े हुए हैं और 6 जो है NH3 जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो कोबाल्ट की हम लोग बना देते हैं पहले, ये सेकेंडरी वैलेंसी है, ठीक है। तो सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स्ड होती है, कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगी, हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। और 6 से 6 वैलेंसी किससे पूरी होगी, देखिए सेकेंडरी वैलेंसी किससे पूरी होगी, या तो नेगेटिव या तो न्यूट्रल। तो NH3 क्या है, न्यूट्रल है। कैसे हम इसको न्यूट्रल कहेंगे, क्योंकि NH3 के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होते, एक लोन पेयर बस होता है। तो यहाँ पर एक ठो NH3 आ गया, यहाँ पर दूसरा NH3 आ गया, थर्ड NH3, फोर्थ NH3, फिफ्थ NH3 और सिक्स्थ NH3, 6 NH3 आ गए। अभी इसमें क्या आएगा, 3 Cl आएंगे। तो ये जो प्राइमरी, इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 6 है और फिक्स है, 6 है और फिक्स है। तो ये फिक्स्ड है सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये 6 पे, ऑल 6 पोजीशन पे NH3 ऑक्यूपाई कर गए, देखिए ये NH3 ऑक्यूपाई कर गए। अब जो Cl है वो सेकेंडरी वैलेंसी के थ्रू जुड़ेगा, प्राइमरी वैलेंसी के थ्रू जुड़ेगा। तो देखिए एक ठो Cl यहाँ पे आ जाए, हम अपने हिसाब से बना लेते हैं, और सेकेंड Cl यहाँ पे आ जाए और थर्ड Cl जो है यहाँ पे आ जाए। तो ये क्या है, ये तीनों Cl किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये तीनों जुड़े हुए हैं प्राइमरी बॉन्ड से, प्राइमरी बॉन्ड से। और ये किससे जुड़ा हुआ है, ये सेकेंडरी बॉन्ड है, या सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी। सो ये तो आयनाइजेबल होंगे नहीं, जब भी होगा आयनाइजेबल केवल Cl होगा। तो जब आप इसको AgNO3 से रिएक्शन कराएंगे सिल्वर नाइट्रेट से, और वो भी खूब एक्सेस मिल लेंगे कि इसकी कोई कमी ना रह जाए, AgNO3 की कोई लिमिट ना रह जाए, तो यह भी आयनाइज हो जाएगा, यह भी आयनाइज हो जाएगा और यह भी आयनाइज हो जाएगा। इस तरह से ऑल 3 Cl आयनाइज जब हो जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, जब सभी Cl आयनाइज हो जाएंगे तो हमको मिलेगा ये CO NH3, इसके 6 है ना, और इसके ऊपर जो यहाँ पे है ऐसे बनाते हैं, एक्चुअली अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसके ऊपर जब 3 Cl निकल गए तो 3+4 निकल गया और +3 Cl माइनस आ गया। यही तीनों Cl जो है AgNO3 से रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, 3 AgCl को बना देंगे। इसलिए यह जो है 3 mol का दिया, इसलिए यह जो है 3 mol AgCl दिया। लेकिन दूसरा वाला, यह वाला कॉम्प्लेक्स, यह 2 mol ही क्यों देता है, इसको आप नोट करिए ताकि हम इरेज करके फिर से उसको बनाएं, ओके। तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि अभी आपने देखा कि यह कॉम्प्लेक्स जो है, इस सबके नेमिंग है, सबका प्रॉपर हर चीज़ है, ये लिखने का तरीका भी कुछ और होगा, लेकिन अभी बाद में। हम लोग बर्नर्स के टाइम की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि बर्नर्स पास्टुलेट आपके कोर्स में है और इम्पॉर्टेंट है और आएगा भी, एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा आपको, इसलिए इसको पढ़ना पड़ रहा है। तो जो ये कॉम्प्लेक्स है, यह AgNO3 के एक्सेस से रिएक्शन किया था, 3 mol AgCl दिया था, क्योंकि यहाँ पर जो 3 Al3 Cl हैं वो प्राइमरी वैलेंसी से बॉन्डेड थे। और हम यह जान रहे हैं कि कोबाल्ट की जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 6 होती है और वे एकदम फिक्स होती है। अब आइए दूसरे कॉम्प्लेक्स पर, देखिए ये CO है। अब इसके हम जो है 6 वैलेंसी पहले बना लेते हैं, जो कि सेकेंडरी वैलेंसी है
मतलब नॉन आयनाइजेबल वाली, ये बन गई। इसके NH3 से ये जुड़ेगा, तो ये रहा 1, 2, 3, 4, 5, 5, बस 5 ही हैं। इस वाले में तो 6 थे पर यहाँ पे 5 ही हैं। अब एक वैलेंसी खाली रह गई, और यह जो खाली रह गया क्योंकि फिक्स है इसलिए खाली वाले में यहाँ Cl भी चला जाएगा और यहाँ पर एक ठो Cl जुड़ जाएगा। इस तरह से इसका जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कंप्लीट होता है। अब प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है और फिक्स नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्राइमरी वैलेंसी से Cl जो जुड़ेगा, कुल 3 Cl है, एक Cl यहाँ बॉन्डेड हो गया, तो एक Cl ये और एक Cl ये दोनों कैसे हैं, ये प्राइमरी बॉन्डेड हैं। सो ये क्या है, प्राइमरी है, प्राइमरी बॉन्डेड Cl है। और ये सभी कितने हैं, जो रेगुलर लाइन्स हमने दिखाया है येलो कलर में, ये सभी क्या है, सेकेंडरी हैं, सेकेंडरी वैलेंस से बंधे हुए हैं। सो आपको शायद अब क्लियर हो रहा हो कि जब हम लोग इसका AgNO3 रिएक्शन कराएंगे तो इतनी चीज़ें जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए, इतनी चीज़ें तो फिक्स हैं, इतनी चीज़ें तो क्या हैं, एकदम फिक्स्ड हैं, ये आयनाइज नहीं होंगी। आयनाइज होने की कंडीशन में केवल ये दो चीज़ें हैं, एक तो ये Cl और एक दूसरा Cl। तो जब आप रिएक्शन कराएंगे AgNO3 से, तो केवल दो Cl यही बाहर निकल सकते हैं, यही आउट हो सकते हैं, यही आयनाइज हो सकते हैं। जो किससे रिएक्शन करेंगे, AgNO3 से रिएक्शन करेंगे, और क्या बनाएंगे, AgCl बनाएंगे, और कितने मोल बनाएंगे, 2 मोल बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। फिलहाल थर्ड वाला एग्जाम्पल भी हम लोग ले लेते हैं ताकि आपका एकदम कम्प्लीटली एकदम कोई भी किसी तरह का कोई डाउट आपके दिमाग में न रह जाए। सो आप इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स अगला ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, ये देखिए, इसके थोड़ा स्ट्रक्चर पे आइए। तो ये कोबाल्ट, इसकी हम लोग 6 जो सेकेंडरी वैलेंस है वो बना लेते हैं, ये 6 सेकेंडरी वैलेंस हैं। और इसके साथ पहले NH3 जुड़ जाएंगे, सो ये NH3 ये हो गए। तो 1, 2, 3, 4 NH3 ही अवेलेबल हैं। अभी Cl चाहिए अब बैलेंसीज, क्योंकि दो ठो खाली रह गया है, तो इनको पूरा करने के लिए Cl आएंगे। सो यहाँ पे हम इस कलर से Cl को लिख दे रहे हैं, चलो इससे लिख देते हैं। तो ये Cl यहाँ पे आ गया, ये Cl यहाँ पे आ गया, लेकिन अब केवल इसके पास एक Cl ही बचा है जो कि प्राइमरी बॉन्डेड है। सो जब आप इस कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन AgNO3 से कराएंगे तो देखिए क्या होगा, ये जो इतना है ये तो सेकेंडरी वैलेंस है, ये 3 है, सेकेंडरी वैलेंस में बंधा हुआ है, ये तो कभी भी आयनाइज ही नहीं होंगे। आयनाइजेबल केवल यह Cl है जो क्या होगा, आयनाइज होगा और AgNO3 से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, AgCl बनाएगा, जिसका एक मोल, जब एक मोल इसको लेंगे, 1 मोल इसको लेंगे, तो 1 मोल इसका मिलेगा। इस तरह से इस तरह से वार्नस पास्टुलेट क्लियर होता है। तो एक बार फिर से हम लोग वार्नस पास्टुलेट के कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या वार्नस पास्टुलेट के थ्रू हमको मिला और इस एग्जाम्पल से मिला। ये एग्जाम्पल आप अच्छे से नोट करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए वार्नस पास्टुलेट क्या कहता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द वैलेंसेस, दो तरह के वैलेंसेस होते हैं, पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी जो होता है आयनाइजेबल होता है और नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होता है और फिक्स्ड नहीं होता, ये बदल सकता है, घट सकता है अथवा बढ़ सकता है। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है, फिक्स्ड होती है, सेटिस्फाइड जो होती है हमेशा नेगेटिव या तो न्यूट्रल आयन से होती है, प्रीफर न्यूट्रल का होता है, पॉजिटिव मत ध्यान दीजिएगा, और फिक्स्ड होती है। जितने नंबर की है सेकेंडरी वैलेंसी है, ये जितनी इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। मतलब इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, जितनी सेकेंडरी वैलेंसी है। तो 1, 2, 3 ये नहीं है,
1, 2, 3, 4, 5, 6। सो इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। सो यहाँ से आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल लेंगे। इसके बाद इसमें देखिए कुछ और चीज़ इसमें हुआ, इसमें बताया वार्नर्स ने कि ये जो मेटल है इसमें बीच में क्या होता है, मेटल होता है जो पॉजिटिव केस में होता है, या तो फिर इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं कहाँ से, कि कोई नेगेटिव स्पेसीज हो या इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज हो, ठीक है, कोई नेगेटिव स्पेसीज हो या इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज हो तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। जैसे कि NH3, तो NH3 तो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि इसके नाइट्रोजन के ऊपर 1 लोन पेयर है। या Cl, तो Cl के ऊपर क्या है, एक माइनस चार्ज है, इसलिए यह भी नेगेटिव स्पीसीज हो गया। तो इन नेगेटिव स्पीसीज या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिच हो, ऐसे कम मॉलिक्यूल्स या आयन से यह इलेक्ट्रॉन को खींचता है, कौन, मेटल, और खींच करके कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन बनाता है। ये स्ट्रक्चर जो बना इसको वर्नर्स ने बोला कि ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन बना हुआ है, और जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनाइज हो जाती है, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर मटेरियल हैं जो सारे हैं वो नॉन आयनाइजेबल रहेंगे। सो इस तरह से जो है वर्नर्स का पोस्टुलेट क्लियर होता है। फ्रेंड्स, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे जो बहुत जल्दी आएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।